दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कमाल की अमेजिंग बाइक्स दिखाने वाले हैं जो कि इससे पहले यकीनन आपने नहीं देखी होंगी। तो शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। नंबर 9, हैंडमेड कस्टम चॉपर बाइक। साइकिल्स का इस्तेमाल तो हम सभी लोग अपनी डेली रूटीन लाइफ में करते ही हैं और अपने आसपास भी अक्सर ऐसी साइकिल्स आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि लुक में काफी शानदार होती हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी साइकिल दिखाने वाला हूं जो कि देखने में आपको एक बाइक जैसी नजर आएगी। जी हां दोस्तों, दूर से देखेंगे तो आपको ये एक बाइक जैसी लगती है जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक वाला लुक देती है, लेकिन दरअसल देखा जाए तो ये एक तरीके की साइकिल होती है जिसमें आपको पैडल असिस्ट फीचर दे रखा होता है, जिससे कि आप पैडल करके इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इसके पिछले हिस्से को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है और एक बाइक की ही तरह इसमें भी काफी ज्यादा मोटा टायर दे रखा होता है जो कि बेहद अट्रैक्टिव अलॉयज के साथ आता है, जो कि साइकिल के लुक को और भी ज्यादा कमाल का बना देता है। तो बहुत ही खास रहती है इस तरीके की साइकिल की डिजाइन जो कि इससे पहले यकीनन आपने नहीं देखी होगी। तो इस साइकिल के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 8, हैवीएस्ट बाइक। साइकिल्स अपने स्लिम लुक को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। उनके टायर जितने पतले होंगे उतना ही कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको उन्हें राइड करने के लिए। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी साइकिल दिखाने वाला हूं जिसका टायर अपने आप में वाकई काफी कमाल का रहता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया जाता है एक फुल साइज ट्रैक्टर के टायर को, जो कि अपने आप में एक बड़े अचंभे वाली बात रहती है। आपने नॉर्मल साइकिल में नॉर्मल टायर्स को देखे होंगे, लेकिन इसका टायर साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसे चलाना कोई आसान बात नहीं होती। लेकिन इसके स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म की मदद से ये पॉसिबल हो पाता है, जिससे कि आप इसे राइड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें पिछला टायर आपको काफी ज्यादा छोटा देखने को मिलेगा, जिसके ऊपरी हिस्से में पैडल असिस्ट लगा होता है और फ्रंट व्हील काफी ज्यादा साइज में बड़ा रहता है, जो कि अपने आप में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यकीनन आपने इस तरीके की साइकिल इससे पहले कभी नहीं देखी होगी और अगर आप इसी तरीके की चीजें और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 7, ग्लाइड साइकिल। आपने ऐसी साइकिल्स को तो देखा होगा जिन्हें की पैडल की मदद से चलाया जाता है या फिर ई साइकिल्स बैटरी की मदद से ऑपरेटेड होती हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी साइकिल दिखाने वाला हूं जिन्हें की इन दोनों ही तरीकों से नहीं चलाया जाता। जी हां दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी साइकिल होती है जो कि आपको अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल जाएगी, जिसे कि आप साथ में कहीं पर भी लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। और जब आप इसे असेंबल करते हैं तो ये एक तरीके की बाइसिकल बन जाती है, जिसका इस्तेमाल करके आप कहीं भी आसपास जा आ सकते हैं। इसमें आपको पैडल असिस्ट फीचर नहीं दे रखा होता है, बल्कि आपको अपने पैरों के मूवमेंट से ही इसे ऑपरेट करना पड़ता है, जिससे कि इसे कम मेहनत में काफी तेजी से ऑपरेट किया जा सकता है और आपको अच्छी खासी स्पीड भी मिल जाएगी। यानी कि बस आपको पैरों को चलाते रहना है और ये साइकिल भी आगे बढ़ती रहेगी और जरूरत ना होने पर आप इसे फिर से अलग अलग करके कहीं पर भी आसानी से ले जा सकते हैं। तो कमाल की टेक्नोलॉजी देखने को मिल गई है जो कि अपने आप में वाकई काफी अचंभे वाली है। नंबर 6, कॉन्वर्स साइकिल। साइकिल को चलाकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बेहद आसान होता है, लेकिन उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है उससे सामान को इधर उधर ले जाना। यानी कि साइकिल आपको राइडिंग की सुविधा तो देती है, लेकिन सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइकिल बिल्कुल भी बेहतर नहीं मानी जाती। इस प्रॉब्लम को देखते हुए खासतौर पर इस तरीके की साइकिल को बनाया गया है जो कि एक तरीके की कन्वर्टेबल बाइसिकल होती है। इस ई बाइक का इस्तेमाल आप नॉर्मल राइडिंग के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन जब भी आपको सामान साथ में लेकर कैरी करना हो तो इसमें दिए गए अलग अलग अटैचमेंट्स को इस्तेमाल करके आप काफी सारा सामान इसमें साथ में लेकर कैरी कर पाएंगे। ये एक तरीके की ई बाइक होती है और इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आर की होती है और सिंगल चार्ज पर लगभग आप इसे 60 से 65 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं पर भी ले जा सकते हैं। यानी कि अच्छी खासी रेंज भी मिल जाती है आपको इस बाइसिकल के साथ और जरूरत ना होने पर आप इसके व्हील को एक बार फिर से फोल्ड कर सकते हैं, जिससे कि दिखने में ये आपको एकदम नॉर्मल साइकिल जैसी लगेगी। तो अगर आप भी एक ऐसी साइकिल का इरादा बना रहे हो जिसमें कि आप अपने साथ काफी सारा सामान लेकर कैरी कर सके तो ये आपके लिए एक कमाल का ऑप्शन रहेगा। नंबर 5, कार टायर बाइक। ज्यादातर साइकिल्स में पतले टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आप हल्का सा पैडल मारकर इसे चला सकें। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी साइकिल दिखाने वाला हूं जिसमें कि पतले टायर्स का नहीं बल्कि ऐसे टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कार में यूज होते हैं। जी हां दोस्तों, इसका व्हील बेस अगर आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा चौड़ा होता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और इस तरीके की बाइसिकल किसी भी नॉर्मल बाइसिकल से काफी अलग भी नजर आएगी आपको। इसमें आपको पैडल असिस्ट फीचर दे रखा होता है, जिससे कि पैडल मारकर आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इस बाइसिकल को खासतौर पर एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए इस तरीके के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि वाकई इसके लुक को काफी खास बनाते भी हैं। नंबर 4, एरोवेलो।
साइकिल में पैडल्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें ऑपरेट करने के लिए, जिसकी वजह से स्पीड की भी अपनी लिमिटेशंस होती है और आप इन्हें एक लिमिटेड स्पीड से ही दौड़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर डिजाइन को कुछ इस तरीके से बनाया जाए जिससे कि नॉर्मल पैडल करने से ही उसकी नेचुरली स्पीड काफी बढ़ जाए, तो इस तरीके की बाइसिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक तरीके का ऐसा एरोडायनामिक कैप्सूल होता है जिसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर हिस्से पर एक आपको साइकिल देखने को मिल जाती है जो कि पैडल से ही ऑपरेट होती है। एरोडायनामिक शेप होने की वजह से इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसे 137.93 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक अभी तक चलाया जा चुका है। तो एक साइकिल से इस तरीके की स्पीड को अचीव कर पाना एक अपने आप में कमाल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि पॉसिबल हो पाता है इस साइकिल के खास तौर पर बनाए गए एरोडायनामिक शेप की वजह से। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके की साइकिल कैसी लगी। नंबर 3, युबा इलेक्ट्रिक बाइक। किसी भी साइकिल में सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बेहद मुश्किल काम होता है और अगर आपको किसी को साथ में बैठाकर ट्रैवल करना हो तो साइकिल में ये और भी दिक्कत भरा सफर हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए खास तौर पर इस तरीके की स्पेशलाइज कार्गो बाइक को तैयार किया गया है जो कि खास तौर पर सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाई गई है। इस बाइक की खास बात ये होती है कि इसमें सामने की तरफ एक छोटी सी बकेट होती है जिसमें कि आप अपना जरूरी सामान रखकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं और इस कार्गो बकेट का इस्तेमाल आप सामान रखने के लिए ही नहीं बल्कि ट्रैवल टाइम में आप किसी को साथ में लेकर चलने के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके साथ बच्चे वगैरह हैं तो इसमें बैठकर आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे और इसमें आपको सेफ्टी के फीचर्स भी दे रखे होते हैं जिससे कि सर्दी गर्मी बरसात के मौसम में आप इसे पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं जिससे कि साइकिल में बैठे हुए बच्चों को परेशानी ना हो। तो काफी बेहतरीन से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं इस साइकिल में जो कि मुझे भी पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगी है। और आजकल डिलीवरी जैसे कामों के लिए इस तरीके की बाइसिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि लोकल में ट्रैवल करना बेहद आसान हो जाएगा। नंबर 2, अल्फा वाइस पेरेंट चाइल्ड फोल्डिंग बाइसिकल। अगर आप साइकिल से सफर कर रहे हो तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि बच्चों को साथ में लेकर सफर करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी साइकिल दिखाने वाला हूँ जो कि खास तौर पर बच्चों को साथ में लेकर चलने के लिए ही बनाई गई है। अगर आपको कहीं आसपास जाना है तो बच्चों को गोद लेकर जाना पड़ता होगा, लेकिन अगर आप इस साइकिल का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आप आराम से कंफर्टेबली अपने बच्चों के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं। देखा जाए तो ये एक तरीके की फोल्डिंग साइकिल होती है जिसके अगले हिस्से में बच्चों को बैठाने की जगह होती है जिसमें कि कंफर्टेबली आप उन्हें बैठाकर सीट बेल्ट लगा सकते हैं और इसके पिछले हिस्से में आपको पैडल असिस्ट फीचर दे रखा होता है जिससे कि आप पैडल मारकर कहीं पर भी ले जा पाएंगे। और यही नहीं, इसमें आपके साथ एक व्यक्ति और भी सफर कर सकता है जो कि पीछे खड़ा होकर इसमें आसानी से कहीं भी आपके साथ जा सकेगा। तो कमाल के फीचर देखने को मिल जाते हैं इस बाइसिकल में जो कि खास तौर पर बच्चों को साथ में लेकर चलने के लिए बनाई गई है। इस तरीके की साइकिल का इस्तेमाल खास तौर पर आसपास जाने के लिए किया जा सकता है या फिर किसी मॉल वगैरह में अगर आप अपने बच्चों को साथ लेकर ट्रैवल कर रहे हैं और मॉल काफी बड़ा है तो इस तरीके की साइकिल वहां पर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। नंबर 1, हाइड्रोफॉयलर्स XE1। पानी में मजे करने के लिए हाइड्रोफॉयलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो हाइड्रोफॉयलर्स आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड होते हैं यानी कि उसे बैटरी की मदद से चलाया जाता है जिससे कि उसकी एक रेंज निर्धारित हो जाती है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा हाइड्रोफॉयलर दिखाने वाला हूं जिसे कि आप पैडल की सहायता से ऑपरेट करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा हाइड्रोफॉयलर होता है जहां पर आपको एक ई हाइड्रोफॉयलर के तो ऑप्शन दे ही रखे गए हैं बल्कि अगर आप चाहें तो इसे पैडल की मदद से भी ऑपरेट करके कहीं पर भी ले जा पाएंगे। इसे अगर आप बैटरी से ऑपरेट करते हैं तो इसका रन टाइम लगभग 4 घंटों का होता है और नॉर्मल अगर आप इसे चला रहे हैं तो आप इसे लंबी दूरी तक आसानी से पैडल मारकर कहीं पर भी ले जा पाएंगे जो कि अपने आप में एक कमाल की बात रहती है। तो कमेंट करके दोस्तों बताएगा कि आपको इस तरीके का हाइड्रोफॉयलर कैसा लगा है जो कि खास तौर पर गर्मी के मौसम में पानी में मजे करने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में दिखाया गया किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर उसे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद।